25 अक्टूबर को पुलिस लाइन शिवपुरी मंदिर पर पुलिस पेंशनर्स संघ जिला शिवपुरी की सामान्य सभा का आयोजन किया गया, जिसमें SBI बैंक गुरुद्वारा चौक शिवपुरी के शाखा प्रबंधक और बैंक ऑफिसर भी उपस्थित हुए। वहीं SBI बैंक में वृद्धजनों की मीटिंग के दौरान हुए आपसी मतभेद के संबंध में आपस में सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई और आपस में एक दूसरे का स्वागत किया गया। और प्रांतीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार पेंशनर का महंगाई भत्ता दीपावली के पहले केंद्र के बराबर न किए जाने पर भोपाल में धरना प्रदर्शन और रैली में शामिल होने के संबंध में चर्चा हुई। वहीं सभा में पुलिस पेंशनर संघ शिवपुरी के संरक्षक और सदस्य गणों की सराहनीय भूमिका रही, जो संगठन के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। आज कार्यक्रम रखा गया, किस प्रकार का कार्यक्रम है? दिनांक 15 अक्टूबर को बैंक ने पेंशनर की मीटिंग बुलाई है, जिसमें सिविल पेंशनर संघ और भी पेंशनर संघ का, तो पुलिस पेंशनर संघ को भी बुलाया गया, आमंत्रित किया गया। इस पर हमने वहाँ देखा कि सभी पेंशनर संघ का अध्यक्षों का सम्मान किया गया था, मंच पर आमंत्रित किया गया, किंतु हमारे अध्यक्ष को ना वहाँ मंच पर आमंत्रित किया गया, ना उनका सम्मान किया गया, माल्यान अपना किया गया। इसके विरोध में हमने ये बात हमको अपमानजनक महसूस हुई, हमारे मध्य प्रदेश पुलिस पेंशन संघ को, और उसका बायकॉट कर दिया हमने। और इसी बात पर हमने दिनांक 20 अक्टूबर को इकट्ठे होकर मीटिंग बुलाकर निर्णय प्रस्ताव पारित किया था। उस प्रस्ताव को हमने आपके पत्र प्रदेश के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, इसके माध्यम से हमने जाहिर भी किया और शिकायत भी इनके वरिष्ठ कार्यालयों की। उस पर से आज ये आए और उस पर खेद व्यक्त किया आप लोगों के सामने इन्होंने, भविष्य में इस प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। इस बात को हमने एक्सेप्ट किया कि बैंक से, बैंक का भी काम है, चलो उनसे त्रुटि हुई है तो उसको ये सभी हमारे पेंशनर के संघ के पदाधिकारी लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया। आज जो कार्यक्रम हुआ है, लगातार कहीं जो संबंधित पेंशन के जो पदाधिकारी थे उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार की बातें हुई थी, तो क्या कार्यक्रम और क्या बैंक की तरफ से? अपने से सीनियर किसी भी पेंशनर के साथ कोई भी दुर्व्यवहार की बात नहीं हुई है। एक मीटिंग का आयोजन हुआ था जिसमें अपन ने सभी को बुलाया था, हमने पदाधिकारियों से सबके नाम भी मांगे थे और मानवीय त्रुटि रही कि हम अध्यक्ष महोदय को मंच पर बुलाना भूल गए, तो आज हमने इसके लिए उनसे क्षमा भी मांगी। भाई हमसे उम्र में श्रेष्ठ हैं, हमारे बड़े भाई की तरह, और हमने माल्यार्पण करके हम सभी का मान सम्मान किया। और इस कार्यक्रम को जो अध्यक्ष महोदय ने आज आयोजन किया, तो हमें इससे एक लाभ और हो गया कि दिवाली के शुभ मौके पर सभी से दिवाली की राम राम हो गई, हमारे गिले शिकवे न कल थे न आज हैं। लगातार रिटायरमेंट में जो पुलिस कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, उनको थोड़ी सी समस्या बैंक की तरफ से देखनी होती है, तो उस चीज़ को कैसे कर सकते हैं? समस्याएं कभी भी किसी भी सीनियर आदमी को, इतने सारे लोग खड़े हैं, किसी एक से पूछिए किसी को कोई समस्या है, बिल्कुल नहीं होगी। सिर्फ ये होती है कि एक तारीख के दिन यदि सारे पेंशनर आते हैं तो थोड़ी सी भीड़ पड़ती है, और यदि आप यही पेंशनर कोई फुर्सत में, भाई महीने में एक बार पेंशन निकाल लें, दो बार निकाल लें, यही कोई व्यक्ति यदि 10 तारीख के बाद आता है तो 2 मिनट में काम हो जाता है उनका, और सारे के सारे लोग आते हैं तो थोड़ा 5 मिनट का समय लगता है। हमारे से सभी उम्र में श्रेष्ठ है, और जो भी व्यक्ति उम्र में श्रेष्ठ होता है उनका सम्मान होता है, और जूनियर भी हो, स्टेट बैंक के ग्राहक का सम्मान है, हमेशा रहेगा। ये कहीं ना कहीं ये पुलिस पेंशनर के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष महोदय से हमने अनुमति भी दी थी, ठीक है, हमारे बीच ऐसी कोई विवाद या कोई इस तरह की कोई डिस्प्यूट कभी नहीं। भाई हम जूनियर हैं, हम कैसे अपने से सीनियर का सम्मान कर सकते, अपमान कर सकते? हम अपने बड़े भाई अपने पिता का अपमान कर सकते हैं? इसमें जो भी पेंशनर है सब हमसे उम्र में बड़े। हमने सिर्फ उस मीटिंग का आयोजन, पेंशनर लोगों को लाइफ सर्टिफिकेट कैसे भरे, और दिवाली के मौके पे यदि किसी तरह का कोई फर्जी कॉल आता है तो उसका जवाब देते, ताकि इनके खाते में जो इनकी जीवन भर की कमाई है लुटे नहीं। क्योंकि साइबर, उस दिन हमने इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से करने के लिए शिवपुरी के साइबर पुलिस के जाट साहब को भी बुलाया था, वो भी मंचा सिंह थे, और सभी पेंशनर को बहुत अच्छी जानकारी देके गए कि आप अपने खाते को सुरक्षित कैसे रखें। भाई स्टेट बैंक का दायित्व है कि सभी का सम्मान करें और साथ साथ सभी के पैसों की सुरक्षा भी करें। ठीक, धन्यवाद।